आज के प्रदूषण भरे वातावरण के कारण खील मुहासे और रैशेस निकलने लगते हैं, जिनके वजह से आपके फेस की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो जाती है। ऐसे में एक ऐसे स्क्रब की जरूरत है जो आपके फेस के डेड सेल्स को साफ करके आपके चेहरे के रौनक लौटाने में मदद करे। क्या आपको पता है कि घर में ही ऐसे कुछ चीजें हैं जिनसे आप आसानी से स्क्रब बना सकते हैं और आपके फेस को बिना किसी साइड इफेक्ट्स के सुंदर बना सकते हैं। जैतून का तेल और समुद्री नमक से बना स्क्रब, स्क्रब मेड बाय ऑलिव ऑयल एंड सी सॉल्ट। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच ऑलिव ऑयल और आधा चम्मच सी सॉल्ट ले लें। दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर अपने फेस पर लगा लें। इससे धीरे धीरे मसाज करें और फिर 5 मिनट बाद गुनगुने गर्म पानी से अपने फेस को धो लें। ऑलिव ऑयल स्किन के मॉइस्चर को लौटा कर उसको ताजगी देता है। ये स्क्रब ड्राई स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। पपीता और ब्राउन शुगर से बना स्क्रब, स्क्रब मेड बाय पपैया एंड ब्राउन शुगर। इसके लिए पपीता का एक स्लाइस और आधा चम्मच ब्राउन शुगर चाहिए। पपीता और ब्राउन शुगर को साथ में मिक्स कीजिए और फिर अपने फेस पर मसाज कीजिए। उसके बाद अपने फेस को गुनगुने पानी से धो लें। इस स्क्रब से आपकी फेस की ताजगी लौट आएगी और आपका फेस नरम और मुलायम हो जाएगी। ओट्स और टमाटर से बना स्क्रब, स्क्रब मेड बाय ओट्स एंड टमाटो। इसके लिए एक कटोरी में पिसा हुआ ओट्स और चीनी ले लें और उसमें एक बड़ा टमाटर मिक्स करें। इसके बाद अपने फेस और गर्दन पर स्क्रब करें। टमाटर एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है और ओट्स स्किन के डेड सेल्स को निकालकर फेस को मुलायम बनाने में मदद करती है। नींबू और शहद का बना स्क्रब, स्क्रब मेड बाय लेमन एंड हनी। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिला लें। फिर इसे अपने फेस को 4 से 5 मिनट तक स्क्रब करें। उसके बाद हल्के गर्म पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके फेस के अनवांटेड हेयर निकल जाते हैं। एग, नींबू और समुद्री नमक से बना स्क्रब, स्क्रब मेड बाय एग, लेमन एंड सी सॉल्ट। इसके लिए आप एक कटोरी में एक अंडे की सफेदी, 2 चम्मच सी सॉल्ट और आधा चम्मच नींबू का रस को अच्छे से मिलाएं। फिर इस स्क्रब से अपने चेहरे को धीरे धीरे स्क्रब करने के बाद पानी से धो लें। अंडे की सफेदी स्किन को टाइट बनाती है, नींबू का रस स्किन टैनिंग को कम करता है और दाग धब्बों को बढ़ने से रोकता है। और अब हम आपको बताते हैं स्क्रब करने का सही तरीका। स्क्रब करने से पहले फेस वॉश करें, आंखों को हमेशा स्क्रब से दूरी रखें और हाँ, स्क्रब करते समय ज्यादा प्रेशर न डालें। इसी के साथ नेचुरल स्क्रब्स पर बना हमारे ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास न आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।